अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ रैबिट अपना घर कैसे बनाता है, नेस्टिंग कैसे करता है, बच्चे कैसे देता है, ये सब बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। इस वक्त रैबिट ज़मीन के अंदर अपना घर बना रहा है। फिर इसके बाद रैबिट नेस्टिंग मटेरियल को इकट्ठा करके सुराख की तरफ ले जाएगा। नेस्टिंग मटेरियल में सूखा हुआ घास, प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करके और अपना नेक्स बनाता है। इस वक्त रैबिट जो है ना अपना नेस्टिंग मटेरियल को इकट्ठा कर रही है। आप दोस्त देख लें कैसी अच्छी तरह जो है ना नेस्टिंग मटेरियल को इकट्ठा कर रही है और सुराख के अंदर ले जा रही है। आप दोस्त देख लें, रैबिट्स जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चे देता है। ये एक बार में तकरीबन 8 बच्चे 9 बच्चे देता है और सुराख के अंदर जब यह बच्चे देता है तो ये बच्चे पलते भी है। आप दोस्त देख लें, प्लास्टिक को भी जो है ना नेस्टिंग के लिए ले जा रहा है। रैबिट तकरीबन साल में 40 बच्चे देता है। और दोस्तों, रैबिट 35 दिन बाद बच्चे देता है। 35 दिन बाद 8-9 बच्चे देता है और ये ज़मीन के अंदर भी बच्चे देता है। अगर हम रैबिट के लिए कोई बक्स, डब्बा वगैरह लगा के तो इसमें भी बच्चे देता है। दोस्तों, रैबिट अब सुराख के अंदर जब अपना नेक्स पूरा करेगा तो इसके बाद ये अपने सुराख को बंद करेगा। ये अब अपना घोंसला बना रहा है। इसके बाद सुराख को बंद करेगा। तकरीबन 2-3 दिन बाद ये फिर सुराख को खोलेगा और फिर इसमें अपने नेक्स पर बच्चे देगा। जब ये बच्चे देता है तो बच्चों को दूध देगा और फिर इसके बाद सुराख को दोबारा बंद करेगा। बस सिर्फ इस वक्त सुराख को खोलेगा जब ये अपने बच्चों को दूध देता है। दोस्तों, तकरीबन 25 दिन बाद ये अपने सुराख को खोलता है और अपने बच्चों को निकालता है नेक्स्ट ब्रीड के लिए। नेक्स्ट ब्रीड के लिए अपने जगह को साफ करती है। दोस्तों, बस ये थी
फुल प्राइसेस। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।